बाड़मेर के कोतवाली थाने में विभिन्न मामलों में पकड़ी गई बाइक व कार की नीलामी प्रक्रिया शनिवार को आयोजित हुई। बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित के मुताबिक विभिन्न मामलों में पकड़ी गई 10 बाइक और एक कार की कोर्ट के आदेशों के बाद नीलामी की गई। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त की गई कार, मोटरसाइकिल्स और अन्य वाहन जिनका तय समय सीमा में कोई मालिक नहीं आता है तो फिर ऐसे वाहनों को खुली नीलामी प्रक्रिया के तहत नीलाम किया जाता है। बाड़मेर के कोतवाली थाने में विभिन्न मामलों में पकड़ी गई बाइक व कार की नीलामी प्रक्रिया शनिवार को आयोजित हुई। बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुर के मुताबिक विभिन्न मामलों में पकड़ी गई 10 बाइक व एक कार को कोर्ट के आदेशों के बाद नीलाम किया गया। दरअसल बाड़मेर जिले के विभिन्न पुलिस थानों में वर्षों से विभिन्न मामलों में जब्त किए गए वाहन पुलिस के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। कोर्ट से आदेश नहीं मिलने के कारण पुलिस द्वारा इन वाहनों को नीलाम नहीं किया जा सकता था। शनिवार को कोतवाली पुलिस को कोर्ट से आदेश मिलने के बाद वाहनों की नीलामी प्रक्रिया आयोजित की गई। बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित के अगुवाई में कोतवाली थाने में यह नीलामी प्रक्रिया आयोजित की गई। नीलामी में कोतवाली पुलिस द्वारा जब्त की गई 10 मोटरसाइकिल और एक कार को नीलाम किया गया। डिप्टी आनंद सिंह के मुताबिक पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में कई वाहनों को जब्त किया जाता है व इसकी सार्वजनिक सूचना भी लोगों को दी जाती है, लेकिन तय समय तक इन वाहनों का कोई भी मालिक नहीं पहुंचता है तो फिर पुलिस द्वारा इन वाहनों की सूची बनाकर न्यायालय में पत्र दाखिल कर नीलामी की स्वीकृति मांगी जाती है। शनिवार को न्यायालय से आदेश मिलने के बाद कोतवाली पुलिस थाने में विभिन्न मामलों में पकड़ी गई 10 मोटरसाइकिल व एक कार को नीलाम किया गया। कोतवाली थाने में टोटल 10 मोटरसाइकिलें और एक कार, इसकी नीलामी है और नीलामी का प्रोसेस चालू है, गोलियां लग रही है। क्या क्या प्रोसेस है नीलामी का सर? नीलामी का प्रोसेस ये है कि जो भी बोली लगाने वाले हैं पहले पैसे जमा कराते हैं एडवांस, और उसके बाद बोलियां लगती है। सरकारी नीलामी बोली जो कि मिनिमम से शुरू होती है, उसके बाद उनकी बोलियां लगती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उनको गाड़ियों के पुराने का तो प्रोसीजर है, ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते किस कितने साल पुरानी है, लेकिन ये इन प्रोसीजर के तहत नीलाम होती है कोर्ट के आदेश से। हर थाने में मोटरसाइकिलें पड़ी है और उनका प्रोसीजर भी चालू है और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है और जल्दी नीलाम की जाएगी। कोतवाल गंगाराम खावा के मुताबिक नीलामी प्रक्रिया को लेकर आम सूचना जारी की गई थी, जिसके बाद शनिवार को खुली बोली के तहत वाहनों को नीलाम किया गया। कोतवाली थाने में आयोजित हुई नीलामी प्रक्रिया के दौरान कई बोलीदाता उपस्थित रहे और अपनी अपनी बोलियां लगाई। सर्वाधिक बोलीदाता को वाहन नीलाम किया गया। वहीं कोतवाली थाने में वर्षों से पड़े वाहन नीलाम होने के बाद पुलिस को कुछ राहत मिलने के साथ कोतवाली थाना परिसर में कुछ जगह भी मिली